गाजा में इसराइल का हवाई हमला तेज हुआ है। बमबारी से गाजा में कई इमारतें गिर गई हैं। गाजा में हमास के ठिकानों पर वायुसेना का हमला हुआ है। अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया था इसराइल ने, लेकिन फिर भी हमास के लड़ाके चंद मिनटों में इसराइल में घुसने में कामयाब रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह है गाजा के लोगों का इसराइल के बॉर्डर की फेंसिंग तक आसानी से पहुंच। अब इसराइल इस भूल को सुधारेगा और एक ऐसा बफर जोन यानी कि गाजा और इसराइल के बीच एक खाली इलाका तैयार होगा जिसमें कोई आ जा नहीं सकता। इसराइल ने फैसला कर लिया है कि हमास के खात्मे के साथ ही गाजा की सीमा को भी समेटा जाएगा और इसराइल और समंदर से दूर किया जाएगा। इसराइल की बमबारी से समतल होती जा रही है गाजा पट्टी की जमीन। जहां इमारतें थी वहां मलबा है। और जहां लोगों की चहल पहल रहती थी वहां अब सन्नाटा है। गाजा पट्टी की जिन जगहों पर रिहायशी मकान थे, बाजार थे और सड़कें थी, वो ताबड़तोड़ हमले के बाद वीरान है। और इसराइल अगर ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान है। इसराइल से सटे इलाकों में बमबारी सिर्फ बदला लेने और हमास के सफाए के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े मिशन के तहत हो रही है। और इसका खुलासा इसराइल के एक मंत्री ने कर दिया है। नो मैन्स लैंड, आपने सुना होगा, इसका मतलब दो देशों की सीमा के बीच का ऐसा इलाका होता है जो पूरी तरह से खाली होता है। अब इसराइल भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। गाजा और इसराइल को बांटने के लिए अब तक सिर्फ ऐसी फेंसिंग थी और यही वजह है कि हमास के लड़ाके इस फेंस तक पहुंच गए, उसे तोड़ दिया और इसराइली सेना को एक्शन में आने में बहुत वक्त लग गया। लेकिन गाजा और इसराइल के बीच अगर कोई बफर जोन होता तो ऐसा करना बेहद मुश्किल था। अब इसराइल ने अपनी गलती सुधारने का मन बना लिया है। इसराइल के कृषि मंत्री के मुताबिक इसराइल का पहला मकसद हमास का सफाया करना है। इसराइल का दूसरा मकसद गाजा और इसराइल के बीच बफर जोन बनाना है। बफर जोन बनाकर गाजा को समुद्र से दूर किया जा सकता है। इसराइल की सीमा के करीब भी बफर जोन बनाया जाएगा। इसराइल अपने बॉर्डर पर 4 किलोमीटर लंबा बफर जोन बना सकता है। यानी युद्ध का अंत जब भी होगा, गाजा पट्टी की सीमा और सिकुड़ने वाली है। इसराइल गाजा पर कब्जा नहीं करेगा, लेकिन गाजा पट्टी का क्षेत्रफल जरूर बहुत कम हो जाएगा। इसराइल गाजा की सीमा के 3 तरफ से कैची चला सकता है। अपनी सीमा से दूर करने के साथ ही वो समुद्र से भी गाजा को दूर कर सकता है, ताकि कभी समुद्र से भी गाजा हथियार ना पहुंचाया जा सके। लेकिन इतना तो तय है कि हमास के सफाए तक इसराइल हमले नहीं रोकने वाला है। देखिए कितनी जबरदस्त झड़प हो रही है। हवा से हमले के साथ ही जमीन पर भी जोरदार संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ इजरायली सैनिक हैं तो दूसरी तरफ हमास के समर्थक। वेस्ट बैंक के रामल्ला में इजरायली फोर्स को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर इतनी पब्लिक और प्रदर्शनकारी रहते हैं कि इजरायली जवानों को गाड़ी से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं होती।
वेस्ट बैंक के तमाम इलाकों में हालात काबू से बाहर है। फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी सेना की गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। वेस्ट बैंक के नूर शम्स कैंप में क्या चल रहा है, गोलियों की आवाज से अंदाजा हो रहा है। इजरायली सैनिकों को वेस्ट बैंक में प्रोटेस्ट रोकने के लिए कई जगहों पर गोली चलानी पड़ी है। मलबे का ये ढेर गाजा में मौजूद सबसे पुरानी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सेंट पोर्फिरियस चर्च का है। गाजा का ये चर्च करीब 900 साल पुराना था। इसे 1150 के दशक में बनाया गया था। जंग के बीच में इस चर्च के अंदर कई मुस्लिमों और ईसाइयों ने पनाह ले रखी थी। चर्च के मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर है। गाजा में इजराइल का हवाई हमला जारी है। हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है। गाजा के रिहायशी इलाकों में चुन चुन कर उन इमारतों को टारगेट किया जा रहा है जहां हमास के ठिकाने होने का शक है। हमास का हमला भी जारी है। इसराइल में फिर रॉकेट धमाका हुआ और सेंट्रल इसराइल के एक शहर में तबाही मची है। वेस्ट बैंक के नूर शम्स इलाके में अचानक एक धमाका हुआ। इस धमाके में 10 इजरायली सैनिक जख्मी हुए। ये हमास का हमला नहीं था, लेकिन माना जा रहा है कि अब हमास प्रदर्शनकारियों तक विस्फोटक पहुंचा रहा है। हमास ने फिर चेतावनी वाला वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हमास ने स्नाइपर गन को दिखाया है और चेतावनी जारी की है कि गाजा में घुसते ही इजरायली सैनिकों को इसी तरह निशाना बनाया जाएगा। हमास ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि हमास इजरायली टैंकों को कैसे नष्ट करेगा। हमास ने वीडियो में अपने घातक ड्रोन का प्रदर्शन किया है जो ताकतवर बम गिराता है। फिर इजरायल की वायुसेना गाजा पर लगातार हवाई हमला कर रही है। गाजा में शुक्रवार को कई धमाके हुए। गाजा में कितना शक्तिशाली बम बरसाया जा रहा है इस वीडियो से जाहिर हो रहा है। देखिए धमाके के बाद आग की लपटें कितनी ऊपर तक उठ रही है और कितने बड़े इलाके में धुआं फैल रहा है। बम की आवाज भी कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ऐसे कई बम एक साथ हवा से गिराए जा रहे हैं। अब तक गाजा में 4,137 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में घायलों की तादाद 13,000 के पार जा चुकी है। वेस्ट बैंक में भी 81 लोगों की मौत हुई है। इसराइल में 1,403 लोग मारे जा चुके हैं। इसराइल में 4,629 लोग जख्मी हैं। गाजा में धमाकों से कैसी तबाही मच रही है ये भी देख लीजिए। इसी तरह लगातार गाजा की जमीन समतल होती जा रही है। गाजा के अल जहरा में भी रिहायशी इलाकों में बमबारी के बाद भारी तबाही हुई। गाजा के अल जहरा में बीती रात जबरदस्त बमबारी की गई थी। इजरायली फोर्स ने एक और हमास लीडर को बमबारी में मार गिराया। इसराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि हमास का खात्मा और गाजा में मौजूद इसराइल के हर दुश्मन के खात्मे के बाद ही ये ऑपरेशन थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।